गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल ताकि वर्मा व्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मजे में होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। इस समय के भाइयों यहाँ पर आके फंसे हुए हैं और गाड़ी खाली हो नहीं रहा है। देखो वहाँ से माल भर दिया, सब कुछ आके जल्दी जल्दी हो गया, मगर इधर आके इधर पेपर ही नहीं रेडी है। पेपर रेडी है वो बेसल ही नहीं लगता, जो सिप होता है वो सिप लगा नहीं है, जिसके कारण से भाइयों गाड़ी खाली नहीं हो पा रही है। सोचा था अगले महीने मेरे गांव जाना है, तो सोचा थोड़ा चक्कर वक्कर लग जाए, नहीं चक्कर भी नहीं लग पा रहे हैं, क्या करोगे, बहुत बुरा हाल हो गया। धंधा तो बहुत है अपनी कंपनी में, मगर गाड़ी ही नहीं खाली हो पा रही, क्या करेंगे। यहाँ से वहां तक देखो पूरा गाड़ी गाड़ी लगा हुआ है, सब प्लग में लगा हुआ गाड़ी, जितनी भी गाड़ी लगी है सब प्लगिंग की हुई है। और हमारे कंपनी में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाइयों, टेम्परेचर ना जाना पाए, टेम्परेचर गया तो प्रॉब्लम खड़ी हुई, इसलिए हमारे कंपनी में टेम्परेचर का बहुत ध्यान देते हैं, सभी ड्राइवर बहुत ध्यान देते हैं। और गलती से अगर आपसे गलती हो गया तो साहबों लोगों को, साहब लोग भी गलती से गलती कर देते हैं, आपका छुट्टी हो जाना है। इसलिए भाइयों शीतल परिवहन में गाड़ी चलाना है तो टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है, और 100% लोग रखते भी हैं, कभी किसी से गलती हो गया तो बाई मिस्टेक हो जाता है, बाकी सभी लोग ध्यान रखते ही हैं। नहीं रखोगे भाई तो छुट्टी हो जानी है, कोई भी रहे, टेम्परेचर का इशू आया तो प्रॉब्लम खड़ी हुई। इसलिए भाइयों टेम्परेचर का प्रॉब्लम ना आने पाए, और आप लोग टेम्परेचर को ध्यान दें, सभी लवी ड्राइवर भाई और ध्यान देते भी हैं। ये देखो हम लोग यहाँ नहाते वाते हैं, देख रहे हो। देखिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, रात का टाइम हो गया है और रात का डिनर करने, अंग्रेजी में डिनर और क्या बोलते हैं, और रात का खाना खाना, हिंदी में रात का खाना खाना, और रोड पे चल के जाना पड़ रहा है। देखो हम लोग का ये नेशनल हाईवे है, ये रोड सीधा जाएगा आपको जैन पेटी, और हाँ ये 46 नंबर है। हाँ और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, आगे एक हमारे पुराने होटल वाले हैं जिनका नाम है गुराम गोपाल, गाड़ी आ रही आगे और हम लोग जा रहे हैं राम गोपाल के पास खाना खाने के लिए। आज और हिंदुस्तान पूरा हाईवे पे गाड़ी ही गाड़ी आ रही है, हम लोग सर्विस रोड पकड़ के जा रहे हैं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और आप लोग भी जिधर भी हो फटाफट सभी ड्राइवर भाई गाड़ी साइड में खड़ा करो, पहले खाना खाओ इसके बाद कुछ काम करो, खाना पीना खा के सेहतमंद रहो तब जाके गाड़ी आगे चलेगी, ये नहीं दिन रात गाड़ी चलाते रहो। दीपक चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भैया जैसे गाड़ी में डीजल चाहिए वैसे पेट में खाना चाहिए। ओहो कितनी ऊंची बात बोल दी, आप कहाँ थे इसके पहले? इधर ही था। आपको तो मैं गिनीज बुक में डलवाना चाहिए आपको, जिस तरीके से आप बात कह दी हैं। ये देखो कार वाले हैं, इनको दिखता उगता नहीं है, ये साले दिन में नहीं देख पे तो रात में क्या भाई अभी हम लोग जा रहे हैं राम गोपाल होटल पे, सुना हूँ नया होटल इनका खुला और खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। हम लोग पहले गैरेज में थे, वहाँ पर खाना इनके पास ही खाया करते थे, अभी हम लोग का गैरेज चेंज हो गया तभी इनका न्यू होटल भी खुला है, पता चला है यहाँ नया होटल इनका है। हम लोग जा रहे हैं राम गोपाल के पास खाना खाने के लिए, और ये होटल अपना ओ कौन सा जगह बोलते हैं जॉन भाई,
सीवट के सामने। हाँ सीवट के सामने न्यू होटल गुलाब के पास पेट्रोल पंप। हाँ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ब्रिज के नीचे से राइट मार के आएंगे, वहाँ पर होटल है, काफ़ी अच्छा खाना खिलाते हैं। देखिए हम लोग करीब 1 किलोमीटर पैदल जाके उनके पास खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप सभी ड्राइवर भाई जितने भी यहाँ इसके आसपास आते हैं तो आप लोग इधर खाना खा सकते हैं और बढ़िया खाना देते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आजकल मेरा चैनल बहुत स्लो चल रहा है, ना कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, ना कोई वीडियो देख रहा है। अरे ड्राइवर भाइयों मेरे चैनल को बढ़ाइए, आपकी आवाज़ मैं बुलंद करता रहूँगा। क्यों दीपक चाचा क्या कहना चाहेंगे? हाँ ड्राइवर भाई ड्राइवरों का सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे ड्राइवर भाई बढ़ेगा? देखिए अभी मैं हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं और जैसे उजाले में हम पहुँचते हैं तो इसके बाद आप लोगों को होटल का व्यू दिखाएंगे और होटल पे हम लोग क्या क्या ऑर्डर करके खाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग तो दही चले, देखो सामने से एक गाड़ी आ गई है। चौहान भाई ये होटल के सामने गाड़ी रुकी है क्या? हाँ देखो ये होटल है, होटल के सामने ही गाड़ी रुकी हुई है और हम लोग भी पहुंच रहे हैं। देखो कितनी सुनसान एरिया से जाते हुए हम लोग भाई आज 3-4 दिन हो गया गाड़ी भर के हैदराबाद जेट केरला से आया हूँ और गाड़ी खाली होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता चला जब ऑफिस में बात किया और जो इनके मास्टर बोलते हैं, हम लोग मास्टर बोलते हैं जो पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क करके हमको 30 फॉर्म देते हैं खाली करने वाला फॉर्म जो होता देते हैं उनको हम लोग मास्टर बोलते हैं। तो वो बोले कि ऐसा है तुम्हारा जो वेसल है, वेसल मीन्स जो जहाज है, जो शिप है, जिस शिप में हमारा कंटेनर जाएगा वो शिप डिले हो गया है। डिले मीन्स मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब टल गया, उसका डेट जैसे कैंसिल हो गया, वो अगले डेट में आएगा। तो इसके चक्कर में भाइयों गाड़ी खाली हो नहीं पा रही है, 2-3 दिन से बैठ बैठ के खाना खा रहे हैं और पैसा भी ख़त्म हो जा रहा है। ये देख रहे हैं ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और ये राम गोपाल जी का होटल भी है और आज हम फिर राम गोपाल भाई से आप लोगों को मिलवाते हैं जो यहाँ के ओनर हैं और थोड़ी देर में उनसे बात करते हैं, अगर रहेंगे तो ज़रूर बात होगी। ये देखिए राम गोपाल भाई का होटल आ गया। गोपाल भाई लंच हाँ राम गोपाल होटल इनके पास पहुंच चुके हैं और पाजी कितने इधर आ जाए आके। ये देखो हमारे पाजी पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। गोपाल भाई आपका ये होटल कब से इधर शिफ्ट हुआ है? वीडियो रिकॉर्डिंग 3 महीने का। 3 महीने हमको आज पता चला, आपसे मिलने के लिए, आपका खाना खाने के लिए मैं 1 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। हाँ हमको पता चला आज की रात, अभी तो मैं उधर वो होटल जाता रहता हूँ, वहाँ अपना ठहरे थे तो वहाँ आप मिले नहीं, तो मैं इधर चला, पता चला कि आपका होटल इधर खुला, अभी मैं इधर आ गया। देखो भाई इधर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नीचे ब्रिज के नीचे और एक कौन सा एरिया बोलते हैं दोस्तों के पास में, यहाँ पर खाना खाने आइए, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो पाजी आप कुछ कहना चाहेंगे खाने के बारे में? आप बहुत बढ़िया खाना मिलता है जी यहाँ पे, सब लोग जहाँ पे आए, गोपाल भाई का होटल है, पैसा भी कम और खाना भी अच्छा। ये देखिए सब लोग, इनका छोटा शुद्ध स्वादिष्ट खाना मिलता है। वीडियो में तब तक हम लोग का खाना आ रहा है, फिर इसके बाद आप लोग को खाना खा के बताते हैं कैसा खाना है उसके बाद। भाजी क्या खाएंगे? खाना खाली है। खाली है तो खाने में क्या है? अच्छी चिकन अंडा। क्या खाना है और भाई क्या खाना है? ठीक है आप मच्छी 3 प्लेट लगाइए, रोहू का मच्छी स्पेशल लगाओ।
आज हम आपसे खाने का रिव्यू लेने वाले हैं। भाइयों खाना तो ऑर्डर कर दिया गया, हम लोग मच्छी राइस प्लेट आज खाने वाले हैं। मच्छी राव मैं क्या बोला आप समझे नहीं, बोल दिए बेटा। साइड में लाएगा, अरे रसा साइड में लाएगा भाई। होटल तो छोटा है लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। इसके पहले हम लोग जैसे ही में इनका होटल था वहाँ पर हम लोग इनका खाने को बहुत मिस कर रहे थे। आपको आज पता चला कि राम गोपाल भाई एक इधर नया होटल खोले हैं, तो हम लोग इधर आ गए। और डिस्क्रिप्शन में आप लोकेशन डाल दूंगा, जो भी भाई यहाँ खाना खाना आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, शुद्ध स्वादिष्ट खाना मिलता है। चलिए बने रहिए वीडियो में, खाना जैसे आता है खा के हम लोग आप लोगों को बताते हैं खाना कैसा है। चौहान भाई पागल वर्मा जी बोल रहे हैं, ये हमारे पाजी हैं, प्यार से हमारे सीनियर हैं, हमसे कुछ भी कहेंगे इनका स्वागत है। ये होटल जो ओल्ड मर्स है, होटल है ओल्ड मर्स जो है, ओल्ड मर्स से आगे जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है और उसके नीचे जो ब्रिज है, ब्रिज से अगर आप पूना की तरफ जा रहे हो तो ब्रिज से यू टर्न घुमा के मुंबई की तरफ आने के बाद जो रास्ता पड़ता है जैन पेटी रोड पे, वहाँ पे इनका ये होटल है। ये देखिए छोटा होटल है लेकिन खाना भाई एकदम स्वादिष्ट खाना, क्यों सही में रहते जैसे ही में इनका होटल था हम लोग वहीं खाना खाते थे, तो वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट और साफ़ सफाई के मामले में एकदम एक नंबर हुआ करता था। तो हम लोग खाना वहीं पे अक्सर खाते थे, छोटा होटल लेकिन बहुत साफ़ सफाई और खाने के मामले में एकदम एक नंबर है। हम लोग यहीं खाना खाते हैं, आप लोग भी आना चाहें यहाँ खाना खाइए राम गोपाल होटल के पास, आप भी खुशहाल शुद्ध। ये देखिए शाकाहारी एंड मांसाहारी दोनों खाना मिलेंगे, जो भी आप लोग वो खा सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग की मच्छी आ चुकी है, ये देखो। और भैया थोड़ा दाल वाल भी लिए हैं, ये देखो हमारे दीपक चाचा। और हम लोग खाना खा के आप लोगों को बताना चाहते हैं कि खाना कैसा है। चलो छोटू और थोड़े यहाँ के बेटर हैं, तो खाना यहाँ का कैसा रहता है? जैसा भाई मैं बोला खाना बहुत स्वादिष्ट रहता है, खाना बहुत स्वादिष्ट है और यहाँ की साफ सफाई के मामले में मैं एक नंबर कहता हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और खाना भी आप लोग भी जिधर हो खाना पीना खा लो, हम तो लोग खा रहे हैं एक नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। जी दोस्तों खाना खा चुके हैं और खाना भाई बहुत स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया खत्म पानी के। अब देखो मेरे को बहुत तगड़ी नींद आ रही है, देखो मेरा प्लेट पूरा साफ हो गया। तो मैं चल रहा हूँ हाथ धोने, हाथ धो के अभी इसके बाद तुरंत भगवान जी से मैं आ गया चलूँगा सोऊंगा। भाई जो मेरी एक आदत है खाना खाने के बाद मेरे को नींद बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो भाई चला सोने। गुड नाइट बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।